हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल का खतरनाक सा गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में भैया हम उतर गए हमारी फेवरेट जगह मिलिट्री बेस। तो भैया यहाँ पे ये सीन है कि मिलिट्री बेस आए बहुत बंदे हैं, हमने पैराशूट से देख लिया आते हुए बंदे लोगों को। तो यहाँ पे भाई हम लूट रहे हैं पहले, क्योंकि यार मिलिट्री बेस में आजकल लूट नहीं मिलती। पर देखो अभी क्या ही स्कैम करता है तुम्हारा भाई बंदों के साथ, जो हर बार करता है। तो यहाँ पे ये बॉट आया, पर यार मेरे टीममेट साले मेरे को किले नहीं देते। साले को कहता हूँ कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे को मारने दो, नहीं बॉट भी नहीं देते, बंदे भी नहीं देते। तो मिथुन भाई को मार दिया। तो यहाँ पे मिथुन भाई को मारने के बाद, लूट वूट करने के बाद, तो हम कहाँ गए, पीछे साइड, क्योंकि फ्रंट साइड बंदे हैं और हमारी फट गई, हम पीछे आ आ गए। गया मेरे तेरे पीछे पर हम हमें लोग क्या पता था साला कि पीछे भी बंदे पीछे लड़ रहे ऑटो हैं। करने वो जाओ ना आगे। तो गाइस देखो, तुम्हारा भाई मतलब क्या ही हो रहा है अरे आजकल जा यार। साला मतलब तुम मेरा गेम प्ले देखो, देख के इतना सबसे पहले चिपक वो रहा है, बड़ा मतलब वो ऐसा सेट कि किया। बस 2 GB वाले रैम वाले फ़ोन में खेल रहा हूँ। अरे आगे चलो साला आगे और बहुत क्या ऑटो ही मिला है पता तेरे को। लोगों को कि मेरा मोबाइल में 12 GB रैम है। देखो भैया, ऐसे चिपक गया, बंदा हालांकि तो आड़ा है ही ही रह नहीं जाता हूँ यहाँ मैं। पे। एक और तो दूर भैया मारा यहाँ पे मैंने मैंने अभी। दो अरे बंदों को भाई जल्दी इधर से से आ नॉक कोई करा कोई और भाई चढ़ गया इधर मैं उधर घर में, सीधे बेड बूम करने। ये देखो यहाँ पे बॉट था, उसको मैं बिना किसी स्कोप, मार मतलब जाएगा तू होलोग्राफिक किसी का मारने का ट्राई तेरे कर मुंह रहा में था, जान मार चुके पर हैं। वहाँ तक गया ही नहीं मेरा। तो ऊपर भैया था, बंदा नहीं। ये देख देखो, गया पर तू यार अच्छा तुम्हारे हाँ भाई ने बॉट का किल नहीं छोड़ता, वो बता रहे हैं चाहे बंदे बंदे का को किल मार छोड़ दिया दे। तेरे को भी नहीं है। तो देखो टक टक करके तुम्हारे भाई ने इसका मथी। अरे साला बॉट लोगों का नाम भी आजकल साउथ अब जब साइड का हो देखो गया है। तो पबजी वाले ज़्यादा साउथ वो साइड को कौन ध्यान मार दे रहा रहे है हैं, क्योंकि वहाँ के प्लेयर बहुत ओपी आते हैं। उसी कौन बात पे भाई बंदों ने कौन मारा है मेरे ये टीममेट को। पर भाई ये हैवी बंदे में पता रहेगा नहीं इसका कहाँ मतलब ही हार्ड गायब मतलब हो गए। हार्ड प्ले देखो रहेगा ये ये हम घुसे और यहाँ पे भाई पता और निकला क्या क्या, बॉट। पर बॉट इतना तगड़ा मार नहीं सकता, वन बॉट एच पी भी तो नहीं नहीं है कर सकता तो भाई बॉट। तो भाई नहीं है। तो गाइस इतनी देर मेहनत करने के बाद अब उठा नहीं या रहा हुआ देखने के बाद कि भाई बंदा बस है नहीं है, तो ये सलाम कर दिया निकला एक बॉट बॉट। से बस हम अब जीत बॉट भी गए। किसके हाथ में, दूसरे के हाथ में। तो भैया इतनी देर मगजमारी करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब हमारा बहुत बुरा कट गया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी बंदे थे भाई गलत भाई कोई जो लड़ एक्स्ट्रा रहे कर थे, लेते पर यार तेरा है यार जब बॉट मैं तेरे गया को तो पता है देखो ना क्या होता है, जो साला वायरल किल ही होता नहीं है। मिला यहाँ पे यार इतनी भसड़ में। मेरे टीममेट्स ने पूरा कोई फिनिश कर दिया, मैं देखता रह गया। देखो भाई ये हम बोल रहे हैं हमको चढ़ने दो, नहीं अबे कितने तो ये देर लो बाद नीचे किया से है ग्रेनेड से नॉक कर दिया। तो चलो ये तो हो गया ख़त्म यहाँ पे। यार मतलब यार पबजी आजकल ऐसा होते जा रहा है धीरे धीरे, अपडेट अपडेट में लैग ही लैग, लैग ही लैग भाई, ग्लिच ही ग्लिच आ चुके हैं पबजी में। तो भैया मज़ा नहीं आ रहा है। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो और आपको क्रिएट ओपनिंग की वीडियो और देखनी है क्या या नई वेक्टर स्किन की, तो भैया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसकी कर रिसेंट वीडियो ही हमारे क्रिएट ओपनिंग की है, तो भाई उसमें तुमको पता चलेगा कि लक कैसा होना चाहिए। भाई अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देखो। वापस आ बे वापस आ चलो यहाँ पर गए सारी बात छोड़ के यहाँ पर देखो भाई फाइट हमारी, जहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिलता। बे नहीं नहीं बाबा कुछ मिलता ही नहीं है, साला सब मार देता है मेरे प्रो प्लेयर टीममेट्स। ये देखो भाई यहाँ पे हमने कर दिया सी पंती, एक एम है हाथ में, फिर भी हमको चलाना है एसटीएल। बड़ी बेवफा गन है भाई, बड़ी बेवफा गन है। ये देखो साला 5 का 5 शॉट मारा, 1 शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, ये वाला भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई के सारे किल चोरी। तो यहाँ पे भाई सीधा हम आ गए अपार्टमेंट में, मिलिट्री बेस से सीधा अपार्टमेंट में। देख रहे हो तुम्हारे भाई का हैक, देख रहे हो सीधा मिलिट्री बेस से यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे बंदे थे वो भी, उसमें भी हमको कोई किल नहीं मिला। अंदर हमको अंदर लग घूम रहा था कि रहे वीडियो डालने लायक ही नहीं है, फिर भी सोचा चलो यार शूट कर ही रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। तो देखो भाई मेरा है हमारे अंदर सब्र बहुत है, वेट हम बहुत ज़्यादा करते हैं बंदों का। भाई देखो नेट जहाँ पे तो हमने बंदा वेट है वहाँ किया, पे नेट शायद बस सोचा बस एक ना एक तो बंदा मिलेगा यार जो चूतिया पकड़ते हुए मिले, जिससे मेरे को किल मिले। बिल्डिंग तो मार रहा है कोई। हमने वेट किया और अरे वेट किया, सामने बिल्डिंग में एक नॉक डाला फिर है भाई हमें कौन दिखा, कौन से वाली में बताया ही नहीं यार तूने। स्पाइडर जल्दी मॉन। मारो
सलमान भाई बनने निकल रहे थे ये स्पाइडरमैन, पर देखो इनके साथ हमने क्या किया। ये सलमान भाई गाड़ी में बैठे और हमने इनको गाड़ी से उतार दिया, समझ रहे हो ना। तो गाइस यहाँ पे भाई इतनी मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद साला मिला क्या एक के। अब देखो भाई लास्ट जोन लास्ट सर्कल, और यहाँ पे आप देखोगे मेरे टीममेट्स को, मेरे टीममेट्स का चूतिया जिसको कहते हैं सर पे बड़े बड़े सी लिखवाना, वो करा इनने यार। मतलब साला जोन हम पे हैं फुल, क्या बोलते हैं उसको, 60-40 हो रखा है मैच है, वो हमारे वो उधर मिल रहा है, इंग्लिश नहीं आती, ध्यान मत दो भाई यार। इतना पूरा हमारे साइड है फिर भी इन लोगों ने क्या करा। भले ये देखो एमके की पावर देखो, हमारी फाड़ कर एक दो गोली टच हुई, अरे तो अच्छा हुआ भाई कि ये ताऊ हाइड्रा भैया नीचे कूद गए, नहीं तो हमारी तो पेटी बन जाती। तो हमने गुलशन भैया को बोला कि हमको हाथ लगाओ, हम बंदे का पेटी बना देगा। तो देखो भाई यही करा तुम्हारा भाई, जो बोलता वो करता ही है। तो भाई यहाँ पे हमने रिवाइव नहीं दिया, हमने सोचा पहले बंदा आ ही रहा है तो साले को मार ही देता। ये खत्म, ये है हमारे सस्ते स्पाइडरमैन, समझ रहे हो ना। वो बढ़िया प्लेयर है ये सस्ते वाले, पर भाई हमने मारा स्पाइडरमैन को है, बहुत ऊपर नीचे कर रहा था। तो यहाँ पे भैया हो चुका है 4v4 फाइट, लास्ट जोन तो नहीं पर लास्ट स्क्वाड। और यहाँ पे हमारे स्क्वाड ने कर दिया उनको अंडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, चलो छोड़ो, उनको सोच लिया छोटा। इंग्लिश नहीं आती तुम्हारे भाई को, आती ही नहीं है, ज़्यादा गौरव मत करना मेरी इंग्लिश पे। तो भाई यहाँ पे हमने एमके उठा ली, डैमेज हो की पापा गन, गिरोजा उरोजा सब फेले अगर 20 की 20 गोली कनेक्ट हुई तो। तो यहाँ पे सीन देखो भाई क्या हुआ, तुम्हारे भाई का जो हर वीडियो में कटता रहता, हर वीडियो में तो नहीं पर हर दो वीडियो छोड़ के उस वीडियो में कटता रहता है, पता नहीं क्या ही है यार, जानबूझ के नहीं करता, मेरा ध्यान भी रहता है पर यार पता नहीं ध्यान कहाँ चला जाता है मेरा। खाली सेटिंग भी नहीं है कि ध्यान चला जाए तो लोग बोले भाई तेरा ध्यान वहाँ था उसके लिए तो मर गया, पर नहीं देखो क्या होता है। ओ भाई कौन, अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमारी स्क्रीन पे भी एमके दिख रही है। आधे से ज़्यादा लोग तो समझ गए होंगे जिनने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी। तो देखो भाई जोन हम पे सामने एक स्क्वाड, कौन सा सामने, अब मेरे टीममेट को थी चुल रश मारने की, तो इन लोगों ने मारा रश। रश मारते ही क्या हुआ ये देखो भाई, मतलब हाथ का चिकन डिनर छूट गया। ये बेली चीना की निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा मित्र कूद गया नीचे काई के लिए, रश करने के लिए, और इनने रश करा पर देखो क्या हुआ इनके साथ। ठीक है इनका हो गया बूम बाम, बहुत ही तगड़ा वाला प्लस सीधा नॉक एंड फिनिश। भाई ये नॉक एंड फिनिश हुआ फिर भी मेरे दो बंदे घुस गए, मतलब देख रहे हो आप क्या पंक्ति की हद। एक नॉक भी करा और वन एसपी कर दिया पीछे से, नहीं तो उसको पूरा फिनिश ही कर देते। तो यहाँ पे हो गए हमारे टीममेट्स डेड, बच्चे सिर्फ अकेले हम, नीचे थी पूरी स्क्वाड। ये लोग क्यों गए भाई, बताओ भाई क्या करेगा ये अकेला बंदा, नहीं करेगा क्या साला। उतनी देर से पूरा सब कुछ फायदे में था, मैं अपने इधर ही रिच पे, मतलब जोन हम पे था, फिर भी यार हमारे टीममेट्स घुस गए और मरवा ली और हमारे भी मरवा दी। चलो ठीक, उनने तो मरवाया ही मरवाया अलग, अब हम देखो हमारी खुद की कैसे मरवा। अब जोन कट चुका है, कोई नहीं तेरे पे चढ़ रहे हैं, कट चुका है, अब हमारा भी कटने वाला है। देखो क्या ही कटेगा तुम्हारे भाई का, मतलब यार एक्सीलेंट वर्क भाई। यार मैं तो चलो कूदा लेकिन ये तो क्यों कूद गए, ये जोन ने काटा। अब ये देखो भाई, तो यार M4 सिंगल भी थी तो भी तुम्हारे भाई ने दो को फेंका, पर आखिरी में किससे मर गया, जोन से। तो भाई ये था मिस्टेक, चलो MVP छोड़ो। अब देखो भाई तुम्हारा भाई फिर से उतर गया मिलिट्री बेस, इस पर पूरे गुस्से में बोल रहे भाई इस पर चिकन चाहिए ही चाहिए,
इस बार फिर वही सोच के मैं उतरा कि चिकन चाहिए मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस में चिकन करेगा मैं तो पहले थोड़ा लूटम लाटी। हम हमारा मेन स्पॉट है सीमेंट्री उतरने का, जहाँ पे गन्नी मिलती है हम वहाँ उतरते हैं, क्योंकि हमको चूल है ना बंदों से एआर से पिटने का। तो हमने मारा पहले वाली बिल्डिंग में रश, बंदे थे कितने थे मुझे नहीं पता, मैं घुस गया थर्ड में बंदा ऊपर ही। भाई अभी देखोगे क्या ही स्कैम होता है बंदों के साथ। तुम्हारे भाई ने सरप्राइज कर करके मारा, मतलब जो बंदे टीपीपी ले नहीं लेते ये रहा भाई, और जो बंदों का टीपीपी में घुसना नहीं आता वो बंदों के लिए बहुत खतरनाक है हमारे सामने आना। जो बंदे कहते हैं घुस के खेलो घुस के लड़ो, भैया तुम एफपीपी खेलो, टीपीपी खेलो ही मत, क्योंकि भैया टीपीपी का मतलब ही क्या होता है कि थोड़ा कवर लेके खेलना है, ये नहीं कि अंदा घुस जाओ किसी के मुंह पे लो भैया मुंह दे मारा। तो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे ये देखो हमारा पूरा डैमेज हमारा हमारे मित्र का। तो भैया देखो हम आपको ज्ञान हम ज्ञान देते हैं हर वीडियो में, जो बंदा तुमको कहे भाई तू टीपीपी छुपके खेलता है उसको बोलना साले एफपीपी खेल, पहली फुर्सत में निकल। देखो ये बंदा देखो जिसको मैं मारूंगा टीपीपी लेके, इसको कैंप नहीं बोलते टीपीपी, ये आया अंधा क्यों आया पहली फुर्सत में मारा ये। वही भाई जो बंदा तुमको ज्ञान दे भाई कि तू छुपके खेलता ये खेलता है तो बोलना भाई ईडीएम में मारना और इरंगल में मारने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी वो बोले नहीं भाई टीडीएम में ये है वो है, तो बोलना साले देखो इरंगल में बंदे मरते नहीं है और तू टीडीएम में 1v1 हरा के तू मेरा क्या मतलब, बेइज्जत ही मारेगा। तो बस ये हमारा ज्ञान था। तो आइए आगे चलते हैं वीडियो में, कहीं और रश मारेंगे दूसरी बिल्डिंग में। मारते हैं रश, रुको अभी जरा रुको जरा सबर करो, कहीं जाना थोड़ा ना है, वीडियो पूरी देखनी है भाई, ऐसे थोड़ा तुम्हारे लिए 20 मिनट मेहनत करी मैंने, पूरी वीडियो देखो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो भैया जल्दी से। यहाँ पे भैया थोड़ा एमओ एमओ बांट बांट ली क्योंकि भैया अभी गरीबों वाली गन चला रहे हैं, हमारे पास गन नहीं है। तो देखो भाई ये भी सरप्राइज कैसे करते हैं और अपने टीममेट को कैसे बचाते हैं हम जैसी को। मैंने टीपीपी लिया, ये देखो यार मैंने स्कोपिंग करा, फायर बटन पर प्रेस भी करा पर मेरी गोली रिलीज नहीं हुई। अब बताओ क्या करूँ मैं, वन प्लस फेंक दूँ? ये देखो भाई पर ये देखो यार अपने बंदे को चारा बना के किल देना। ये मौरी भैया को हमने लॉरी पे चढ़ा दिया, गाली नहीं दे रहा हूँ, पंजाब में ट्रक को लॉरी कहते हैं शायद, यही कहते हैं यार, बॉस मूवी में सुना था मैंने। तो भाई यहाँ पे चलो एक दो स्क्वाड खत्म, दो स्क्वाड खत्म दो किल, समझ रहे हो ना क्या ही कटता है मेरे टीममेटों के साथ, तो किल ही लेने देते। अरे इन्हें शर्त लगाई, दो बॉट मार रहे हैं, दोनों बॉट देखते हैं कौन मार रहा है। अब तुम्हारा भाई किल चोर बहुत बड़ा किल चोर है साला संतोष, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, देख सकते हो कैसे किल चोरी करते हैं, देख लो भाई सीख लो, टीममेट की किलसानी हो तो किल चोरी करना सीख लो मेरी वीडियो में। तो भाई यहाँ से मिलिट्री बेस से सीधा हम कहाँ निकले, अभी आगे देखो कहाँ निकलते हैं, सीधा हम आ गए अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट में थे बंदे। और यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई के साथ स्कैम क्या होता है, मतलब भाई किल की भूख और केडी के लालच ने मेरे को मरवा ही दिया था, पर भाई बैक सपोर्ट बोलता है तो भैया ये हम घुसे। मुझे पता है चार बंदे हैं, पूरे चार, कितने फोर, रात में आए हो क्या भैया, तो फेंक मारा। तो भाई यहाँ पे सब ऑल डेड कर दिया हमारे टीममेट्स ने, ओपी टाइटन स्क्वाड ओपी। तो भाई हम रिवाइव हुए, हमारे किल ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या करें हम, जॉब छोड़ दे, पबजी खेलना छोड़ दे, वीडियो बनाना छोड़ देते हैं हम, हमारे टीममेट बहुत हरामी होते जा रहे हैं। जिस मैच में कहूँगा साला वीडियो शूट करना उसमें तो ये कुत्ते भर भर के मारते हैं। अरे ये देखो भाई हमने M4 का लेज़र स्प्रे मारा INF को, पर ये देखो भाई मतलब वो बंदे ने पहले से नेट फेंका रखा था उसके टीममेट ने, मैं बैंडेज लगा रहा हूँ पेन किलर पीने गया। बूम, राहुल भाई ने हमारे साथ बूम बाम कर दिया। तो भैया यहाँ पे हमने कहा भैया उठा दो,
बाद में लड़ लेना, पहले उठा दो। मतलब भूत बना दिया बंदों ने मार मार के आज। आज की वीडियो में भाई चलते फिर तो कोई भी नॉक कर रहा है, समझ रहे हो ना क्या ही चल रहा है मेरा गेम। तो भाई हमने पहले हील लगाया, इट्स इम्पोर्टेंट। और हमारे जो नंबर तीन भैया है आर्यन भैया, वो चलते फिरते लेट जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं। देखो फिर से आएंगे अभी घुटनों पे। अरे आएंगे अभी तक, अभी आएंगे। देखो अभी 1 HP हुई उनकी। यहाँ पे हमारे गुलशन भैया ने नॉक दे दिया। अब वो कह रहे हैं सीधा रश मारो, पर हम रश मारने जा ही रहे थे कि पर हमारा जो किल था वो रिवाइव होके हमारे टीममेट को नॉक कर दिया। तो भाई मेरा दिमाग खराब किया, मैंने बोला साला ये कोई मजाक हो रहा है, हम मेहनत करें किल किसी और का। ओ माजा उठा ले। तो भाई यहाँ पे हमने बातचीत बैठाई गुलशन भैया से, कहा कि चलो यार रश ही मार देते हैं यार, अब क्या ही करेंगे ये लोग। गुलशन ने एक और, भाई ये देखो मेरा किल चला गया किसके हाथ में, दूसरे के हाथ में। तो हो गया स्कैम। किल का मतलब ही क्या है, मेहनत मेहनत बर्बाद। आगे नहीं खाऊंगा, अगर तुमने सबने वीडियो देखी कैरी मिनाटी की। हाँ तो भैया बस हमारा, ये देखो भाई हमारे भाई का पूर्ण स्कोपिंग ही नहीं कर रहा है। अरे भाई कितना मारोगे यार, कितना मारोगे दिन में यार, कितना मतलब सुबह से मार ही खा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे हम फिर से नॉक हो गए, हमने मांगा टीममेट से रिवाइव। पहले हम रिवाइव होंगे 10 सेकंड पूरा। अरे 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 मैंने गेट क्यों लगा दिया। ओम अर्जुन हेल्थ होगी थोड़ी सी, ले भाई का यार रिवाइव देने का है ना, अपडेट कर देना चाहिए 10 सेकंड से कम एक दो तो कम कर दो यार। तो भाई ये देखो ये था लास्ट जोन ही ले लो, लास्ट कंपाउंड जहाँ पे मेन फाइट होगी। मेन फाइट में क्या हुआ कि यार हमारा कट गया, हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। ये देखो भाई मैंने पहले बंदे को भागते हुए देख लिया, मैंने बोला ये तो गया बबुआ, ये फ्लैंक मार रहा है, इसका तो हम फ्लैंक करवा देगा आज। हमारे स्प्रे से तो नहीं बच पाओगे भैया, स्प्रे से नहीं बच पाओगे। तो भाई स्प्रे में भाई इसको ले लिया, मैंने सोचा फिनिश करता हूँ, टक टक करके भी ट्राई करा, क्योंकि भाई किल इज इम्पॉर्टेंट, चिकन डिनर मोर देन चिकन डिनर, किल इज इम्पॉर्टेंट, किल इज इम्पॉर्टेंट मोर देन चिकन डिनर। दो बार इसलिए बोला भाई दोनों में से जो सही है वो रख लेना। तो भाई यहाँ पे नॉक करा है, वो किल चाहिए क्योंकि वहाँ पे बंदे थे उसके स्मोक करने के लिए। फिर मैं गलती से बाहर चला गया, मेरी फट गई, मैंने तो साला एक किल के चक्कर में खुद का किल ले आऊँगा, अब मेरे टीममेट्स मेरे को गाली देंगे, साला रिवाइव भी नहीं देंगे। स्मोक हो गया हमको लगा चलो, पर हमारा बाद में किल आ गया। और यहाँ पर देखो स्कैम ये हुआ कि मेरे एक टीममेट का नेट चल नहीं रहा है, एक नॉक एंड फिनिश होगा अभी, और एक फिनिश हो चुका है। तो मैंने कर लिया FPP, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही मतलब किंग एम्ब्रो की वीडियो देख के FPP कर लिया। सलाह ने कहा था हेड लग, तो हेड तो लगा, पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया भाई मैं ओवर। देखो भाई मैं उतरा यहाँ पे आराम से TPP लेके हील कर सकता था, पर भाई मैं बंदे पर चढ़ गया। देखो स्प्रे देते हुए पर मैं भूल गया FPP में भाई स्कोपिन करना पड़ता है, नहीं तो PT बन जाती है। भाई इसके लिए कहता हूँ भाई ओवर कॉन्फिडेंट में कभी ना आओ, जैसा खेलते हो वैसा खेलो, नहीं तो PT बन जाएगी। और सबसे पहले नेट ठीक करवाओ भाई अपना, क्या ही करोगे। ये देखो डिनर गया, बात ख़त्म। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ।